खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिनों की मशक्कत के बाद मंगलवार को निरसा सीओ नितिन शिवम गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय, निरसा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर दिलीप कुमार यादव, एमपीएल ओपी प्रभारी गैलन राजसर, जिला परिषद सदस्य विश्वनाथ रोहिदास, पंडरा पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया रविंद्रनाथ धीबर, पालहपुर पंचायत के मुखिया अपर्णा देवी, उपचिड़िया पंचायत के मुखिया कन्हाई दास, एमपीएल के अधिकारी गोपाल वर्णवाल सहित हाईवा के ट्रांसपोर्टर के त्रिपक्षीय वार्ता के बाद हाईवा का परिचालन प्रारंभ हुआ। वार्ता के दौरान मृतक के परिजनों को 6 लाख देने की सहमति बनी, जिसमें 50,000 नगद तत्काल और बाकी रकम को अकाउंट में देने की बात हुई। वहीं पंडरा पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया रोबिन धीबर ने कहा कि हम लोग राज्य सरकार के द्वारा आकस्मिक दुर्घटना में जो 2 लाख की राशि मिलती है उसी भी मृतक को आश्रित को दिलाने का प्रयास करेंगे। ज्ञात हो कि निरसा कांटा के समीप एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 14 वर्षीय बेटी और साला समेत सवार होकर चितकुंडा की ओर जा रहे थे। एमपीएल के खाई लोडेड वल्कर रेस से टकराकर जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। निरसा धनबाद से मलय गोप की रिपोर्ट। 4 दिनों की मशक्कत आज के हमारे ये मुखिया जी एवं माननीय भोलानाथ दा एवं हमारे बयाराम दा एवं इनिओ आछेन विश्वनाथ दा एवं एदेर मध्ये जारा प्रतिबेशी एवं सकले रयेछेन एरा एमन भावे सहयोगिता करेछेन। जो 96 घंटा बाद ये जो वार्ता जो आप लोग किए अभी, तो वार्ता में क्या अभी तय हुआ, क्या वार्ता? देखिए आज जो 4 दिन के बाद जो आज यहाँ का स्थानीय प्रशासन बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी, एमपीएल ओपी प्रभारी और हाईवे एसोसिएशन और हमारे जो गांव के लोग हैं और साथ में उनके परिवार, उनका गांव के लोग के बीच जो वार्ता हुआ, ये यही तय हुआ कि 6 लाख रुपया इन दोनों का मुआवजा के तौर पर दिया गया। 2 लाख रुपया जो हमारे ब्लॉक से होता है, जो हम लोग का स्थानीय होता है।